आज मैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से मॉक केक बनाऊंगी और यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्कुट लिया है 1 पैकेट और इन सभी को हमें ग्राइंडर जार में क्रीम के साथ इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो इसको हम तोड़ के डालेंगे और सारे ओरियो बिस्कुट को ग्राइंडर जार में इसको पाउडर बना लेंगे। तो देखिए ये वाला पाउडर बन चुका है। अभी इसको हम अलग से एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अभी इसमें ठंडा दूध मिलाना है। इसको बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया है। अगर आप चाहे तो बिना उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इसमें जितना आपको चाहिए, मैंने हाफ कप लिया है दूध इसमें। तो लगभग एक ओरियो बिस्कुट के लिए आपको लगभग हाफ कप जितना दूध हो जाएगा। तो इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बहुत ही कम लेना है, एक चुटकी लेना है आपको। अगर ज़्यादा डालेंगे तो बेकिंग सोडा इसका टेस्ट आ जाएगा और बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा केक। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है और अभी ऐसे एक मग लेना है आपको और इसमें थोड़ा सा तेल लेके इसको ग्रीस कर देना है ब्रश से। अभी हम इसमें जो ओरियो बिस्कुट का जो बैटर बनाया था इसको हम इसमें डाल देंगे। तो लगभग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, मतलब 3/4 हिस्सा मैंने डाल दिया है। इसको अभी माइक्रो ओवन में माइक्रो बटन हम दो बार दबाएंगे 720 पावर में। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो नियरली 1.5 मिनट में ये पक जाता है। आप 1.5 मिनट में चेक करके देख सकते हैं। तो अभी देखिए 2 मिनट के बाद एकदम अच्छे से फूल गया है केक। अभी हम चेक करते हैं ये अंदर से पका है या नहीं। एक छुरी लेके मैंने इसमें डाल दिया है, देखिए एकदम साफ निकल आया है, मतलब अच्छे से पक गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।